हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लुब्रिकेंट ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस चैनल पे आपको डिफरेंट इंजन ऑयल और रेसर ऑयल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वेरी वेरी थैंक्स टू यू, और बेल आइकन पे प्रेस भी करिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मैग्नेटेक 5W30, जो कि कैस्ट्रोल कंपनी प्रोड्यूस करती है और मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। ये बेसिकली जो होता है कार्स के लिए यूज होने वाला प्रोडक्ट है। ये ऑयल जो है आप देख सकते हैं, ये फुल्ली सिंथेटिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसके अंदर मतलब कि सिंथेटिक और पेट्रोलियम प्रोडक्ट दोनों का मिक्सचर है, जो कि कार जब स्टार्ट होती है या स्टॉप होती है दोनों समय जो होता है ये इंजन को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जब आपकी सुबह कार खड़ी भी होती है, बिल्कुल ठंडी पड़ी होती है, तो समय कार में जो होता है ऑयल का जाना बहुत जल्दी, मतलब ऑयल को जाना पहुंचना होता है, इसलिए ये ऑयल मैग्नेटिक जो होता है समय थिन हो जाता है और जल्दी इंजन में पहुंचता है। और जब आपकी कार जो होती है ट्रैफिक में चल रही होती है तो इंजन गर्म होता है, तो इस समय ये ऑयल थिक हो जाता है, कम से कम पहुँचता है। ये इस ऑयल की खासियत है जो कि इंजन को प्रोटेक्ट करती है। अब मैं आपको इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बताता हूँ जो इस मैग्नेटिक ऑयल को और कंपनी के ऑयल से, जैसे GTX जो कैस्ट्रोल का है, टर्बो स्टार, शेल, लुमुना, लिक्यू मोली, इन ऑयल से अलग करता है और बेस्ट बनाता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, इस ऑयल में जो होता है क्लिंजिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इस ऑयल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो क्लिंज कर जाते हैं, मतलब इंजन से एक तरीके से चिपक जाते हैं, जो हमेशा इंजन से चिपके रहते हैं और एक्स्ट्रा लेयर देते हैं प्रोटेक्शन की इंजन को, जब हमारा इंजन जो होता है वार्म अप के समय होता है या स्टॉप के समय होता है, या फिर जब हमारा ऑयल जो होता है इंजन से निकल रहा होता है। ये ऑयल जो होता है थिन होकर ऑटोमेटिकली रन करने लगता है, स्मूथ हो जाता है। अब मैं अगर आपको कुछ इसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊं, ट्रायल के बारे में बताऊं, तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ साल पहले, जिसमें मतलब जिसका नाम था कैस्ट्रोल मैग्नेटिक पिस्टन डेमो, जिसके अंदर दो ग्लास जार लिए गए थे और उसके अंदर दो मेटल सरफेस डाले गए थे। एक मेटल सरफेस के अंदर मैग्नेटिक ऑयल को यूज करा गया था और एक मेटल सरफेस के अंदर एक कोई और ऑयल था कार का, उसको यूज करा गया था। दोनों के अंदर जो होते बैरिंग्स डाले गए थे, तो जब हम दोनों मेटल सरफेस को ऊपर नीचे करा तो जो मैग्नेटिक वाला सरफेस था उनने बैरिंग को अट्रैक्ट करा, क्योंकि उसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो बैरिंग से चिपके रहे एज कम्पेयर टू दूसरा वाला ऑयल था। तो ये शो करता है कि मैग्नेटिक के अंदर क्लिंजिंग मॉलिक्यूल्स हैं। फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टॉप स्टार्ट टेक्नोलॉजी, इसका मतलब होता है ये हमारी गाड़ी तब या स्टॉप हो या स्टार्ट हो तो हमारी इंजन में क्या होता है कुछ माइक्रोस्कोपिक डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि जब इंजन स्टार्ट होता है तो रन होता है, स्टॉप होता है तब भी उस पर जोर पड़ता है। पर इस मैग्नेटिक ऑयल में जो होता है हमारे सेल्फ हीलिंग लेयर होती है, सेल्फ हीलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से ये ऑयल जो होता है वो हर स्टेज में जो होता है हमारे इंजन को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो स्टॉप हो या स्टार्ट हो। अगर कभी आप इस ऑयल को परचेज करें और आप इसे भी कभी छू के देखें, मतलब हाथों से, तो आपको ये लगेगा बहुत ज़्यादा स्लिपरी ऑयल, एक तरीके से खिसकता चला जाएगा आपकी उंगलियों से, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी। फिर हम देखेंगे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए फ्यूल इकोनॉमी फ्रॉम एवरी स्टार्ट, इसका मतलब होता है ये ऑयल आपको फ्यूल इकोनॉमी प्रोवाइड करता है, मतलब क्योंकि ये ऑयल को अगर आप अपनी कार में यूज करेंगे तो लगभग 10,000 किलोमीटर के बाद ही ये ऑयल चेंज होगा, एज और ऑयल्स जो होते हैं वो 6-7 हज़ार किलोमीटर के बाद चेंज हो जाते हैं, और 10,000 किलोमीटर के बाद अगर आप इसको चेंज करने का जो ऑयल बचेगा वो ये नहीं कि वेस्ट हो जाएगा, काला हो जाएगा, वो ऑयल आप अपने इंजन में यूज कर सकते हैं। तो ये ऑयल एक तरीके से ऑलराउंडर है, मतलब चाहे आप इसको देखिए पेट्रोल वाली कार में डालें, चाहे डीजल वाली कार में डालें, चाहे CNG वाली कार्स में डालें, ये ऑयल जो होता है हर कार्स में पड़ सकता है, कोई भी कार में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर ये वाला ऑयल जो होता है 3.5 लीटर के पैक में अवेलेबल है, जैसे कि वीडियो में आपको वो पैकिंग भी दिख रहा है 3.5, पर ये 3 लीटर के पैक में भी अवेलेबल आता है और 0.5 लीटर के पैक में भी अवेलेबल है। इसका 1 लीटर का पैक जो होती कंपनी नहीं बनाती है। अब बहुत से लोग जो होते हैं मेरी शॉप पे आते हैं कि भैया हमारी ये कार है, हमें मैग्नेटिक दे दीजिए या फिर ये ऑयल दे दीजिए, पर उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमारी कार में कितना ऑयल पड़ेगा, वो हमेशा हमसे पूछते हैं। तो आज मैं इस कन्फ्यूजन को भी आपको दूर कर देना चाहता हूँ कि किस कार में कितना ऑयल पड़ेगा। तो जैसे मैं कुछ कार्स के नाम देता हूँ, जैसे इनोवा है, अगर आपकी पेट्रोल की है इनोवा तो उसमें 6 लीटर ऑयल पड़ेगा, और इनोवा अगर आपकी डीजल की है तो उसमें 7 लीटर ऑयल पड़ेगा। फिर अगर आपकी स्विफ्ट डिजायर है डीजल की तो उसमें लगभग 3.2 या 3.5 लीटर तेल पड़ जाएगा, 3.5 लीटर की पैकिंग ले लीजिएगा। और आपकी स्विफ्ट अगर पेट्रोल की है तो आपको उसमें 4.5 लीटर करीब तेल पड़ जाएगा। वैगन आर में 3 लीटर आपका पड़ता है, और ईको में जो होता है लगभग 4.5 लीटर तेल पड़ जाता है। अब जो नई गाड़ी है बलेनो, उसमें 3.5 लीटर, ओमनी में 3 लीटर, और जिप्सी जो आती है उसमें 4 लीटर आपका ऑयल
पड़ेगा। अब ये होंडा की अमेज है, इसमें 4.2 लीटर पड़ता है। इंडिका अगर आपकी पेट्रोल की है तो 4 लीटर, डीजल की है तो 5.5 लीटर। विस्टा है तो 3.3 लीटर। अगर आपकी सेंट्रो की i10 या i20 है तो उसमें 3 लीटर पड़ेगा। बरना में पड़ेगा 5 लीटर, स्कॉर्पियो में 7 लीटर, अगर आपकी डस्टर है तो 4.5 लीटर। अगर आपको वीडियो में कन्फ्यूजन लग रहा है तो कहीं आप घबराइए मत, मैं कमेंट बॉक्स में इन सब के कार्स के नाम के संग संग कितना ऑयल पड़ता है ये सबको ड्रॉप कर दूंगा, आप वहाँ से एनालिसिस करके अपने हिसाब से पढ़वा लीजिए। फिर अगर यहाँ पे देखें हम क्लोज जाके तो यहाँ पे लिखा है विन अप टू ₹1000 मिनिमम अंडर द कैप फॉर मैकेनिक्स। अगर यहाँ पे कैप में जो होता है एक जो होता है कूपन निकलता है जो कम से कम 100 रुपये का होता है, मैक्सिमम 1000 रुपये का होता है। ये जो होता है मैकेनिक को दिया जाता है ताकि वो अच्छी सर्विस करे, क्योंकि उसका इनाम होता है एक तरीके से। फिर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ओल्ड कार है तो आप उसमें इस ऑयल को यूज़ मत करिए, उसके अंदर आप GTX डालिए, टर्बोस्टार डालिए, लिक्विड मोली कुछ डालिए। पर नई कार है आपकी तो आप मैग्नेटिक डालिए, क्योंकि मिस्त्री लोग पुरानी कार्स में इसको डाल देते हैं, परंतु ये न्यू कार्स के लिए सुटेबल है, पर ओल्ड कार में इसे नहीं डालना चाहिए जो मैं समझता हूँ। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 3.5 लीटर इस समय जो होता है मार्केट में 1750 का अवेलेबल है, 3 लीटर जो है 1500 का अवेलेबल है, और आधा लीटर इस समय 260 रुपीज का अवेलेबल है। आप इसे मार्केट में कहीं से भी ले सकते हैं, परंतु अगर आपको हमसे परचेज करना है तो हम आपको होलसेल रेट में इसको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कुछ और बल्क में कुछ भी प्रोडक्ट लेना है, कुछ पेटियाँ लेनी है तो हम आपको दे देंगे, क्योंकि कैस्ट्रॉल के सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मैं अपनी दुकान के डिटेल्स कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। मैं आपको इसका फ्रंट भी एक बार दिखा देता हूँ जाते जाते। बहुत बढ़िया ऑयल है, आप इसे कभी अपनी कार में यूज करके देखिए, दिल खुश हो जाएगा आपका। ये देखिए यहाँ पर ग्रेड लिखा है 530, मतलब ये 530 मतलब ये होता है विस्कोसिटी होता है, 5 मतलब लोअर टेम्परेचर पे होता है, 30 मतलब हायर टेम्परेचर पे होता है। ये 530 वाला तेल कंपनी ने आया, पहले 2050 तेल आता है, GTX हैं या फिर टर्बोस्टार है, सब वो 2050 तेल हैं। देखिए यहाँ पर इसका प्राइस लिखा है, पेज नंबर यहाँ पर ये सब कुछ लिखा है, ये ग्रेड यहाँ पर लिखे हैं। देखिए ये नई कार्स हैं, उन सबके ग्रेड यहाँ पे लिखे हुए थे, कैस्ट्रॉल कंपनी से प्रोड्यूस करती है। सो थैंक यू गाइज, अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि मैं मोटिवेटर रहूँ और सब नई वीडियो बनाने के लिए। और मैं जल्द ही एक और वीडियो लाऊंगा कि कौन सी कार में कितना ऑयल पड़ेगा, कौन सा ऑयल पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, सब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है या फिर मेरी कहीं कमी रह गई हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, थैंक यू गाइस।